आप कितने ही ऐसे आदमी को जानते हैं जो किसी दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं, किसी से चला नहीं जा रहा उसके लिए बेसाखी या व्हीलचेयर, कोई भूखा है उसके लिए खाना, किसी गरीब बच्चे से पढ़ा नहीं जा रहा तो उसकी पढ़ाई में मदद करना, उसके लिए स्टेशनरी देना, किसी की लड़की की शादी में परेशानी आ रही है तो उसके लिए मदद करना, कितने ही ऐसे आदमी को जानते होंगे, बहुत ही कम। और जो भी होते हैं कम, उन्हें हम फरिश्ते बोलते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही एनजीओ से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनका नाम है फरिश्ते हेल्पिंग हैंड सोनीपत से। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम ताबिश है और मैं फरिश्ते हेल्पिंग हैंड्स का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी संस्था का नाम फरिश्ते हेल्पिंग हैंड्स है, जो कि गरीब लोगों और जो नीडी पीपल होते हैं उनके लिए काम करती है। हमारी संस्था के अंदर हम उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी नेसेसरी चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे होते हैं। नेसेसरी चीज़ें जैसे खाना, कपड़ा, चप्पलें, शूज़ वगैरह, या फिर विडोज़ जो विधवा हमारी जो माताएं होती हैं, उनकी जो बच्चियां होती हैं, उनकी शादियों में भी हम हेल्प करते हैं। कहने का मतलब यह कि हम हर एक उस फॉर्म में डोनेशन करते हैं जिसमें लोगों को अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं और वो उस चीज़ के लिए सफ़र कर रहे थे, हम उसमें डोनेशन करते हैं लोगों को। हमारी एक टेक्निक है, हम एक सर्वे करते हैं पूरे महीने, जिसमें कि सर्वे में हम ये पता लगाते हैं कि किस इंसान को, किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है। देन उसके बाद हम एक मीटिंग बिठाते हैं अपने ऑफिस में, उसके बाद हम फिर वो फाइनलाइज करके उसको डोनेशन करते हैं हर महीने की 10 तारीख के बाद, जो पहला रविवार आता है उस तारीख को। पहले जब हमने फरवरी 2019 में हमने एनजीओ स्टार्ट की, तब मैं था और मेरे साथ मोहित थे, हम दो तीन फ्रेंड थे, आमिर भाई थे, दो तीन दोस्तों ने हमने मिलके ये स्टार्ट किया था। और अभी 2019 नवंबर में हमारे पास 500 के करीब मेंबर हैं, जो कि हमारे डोनर भी है और जो सेवा भी करते हैं वो भी है। और इसके साथ ही हमारे 20-30 वॉलंटियर्स हैं जो कि दिन रात, या ये कह लो जो कि ऑन द स्पॉट डोनेशन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जब हम ये अपना डोनेशन करते हैं, जिस भी व्यक्ति को करते हैं, जिस भी पूरे ग्रुप को करते हैं, आफ्टर डोनेशन, जब हम डोनेशन करने के बाद हम अपने अपने घर जाते हैं, तो एक हमें अपने आप में एक प्राउड फील होता है, एक सुकून मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है, और एक कहते हैं ना कि दिन बन जाता है कि हमने उस इंसान की मदद करी है जो बेचारा उस चीज़ के लिए सफ़र कर रहा था, उसको वो चीज़ हमने प्रोवाइड करी। तो उसके जो चेहरे पे या उसके जो फैमिली में या उसके सर्कल में जो हमें दिखता है जिस ग्रुप के अंदर, की एक स्माइल आती है ना खुशी वाली, कि जैसे एक मैं नीडी हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए और वो कोई चीज़ एक कोई सामने से मुझे लाके प्रोवाइड करा दे, एक मैं खुश हो जाता हूँ कि हाँ। तो वो उनकी खुशियाँ देखकर एक हमें प्राउड फील होता है कि हम महीने में एक बार, दो बार एटलीस्ट किसी लोगों या किसी इंसान के फेस पे स्माइल तो ला रहे हैं। उस स्माइल को देखकर हमें एक बहुत अच्छा प्राउड फील होता है, और हम इसी स्माइल को देखकर, इसी प्राउडनेस को देखकर हम आगे निरंतर इसी कार्य को करते रहेंगे और आगे ऐसी खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्प्रेड हैप्पीनेस। एक्चुअली हमारे तीन ग्रुप हैं फरिश्ते हेल्पिंग हैंड्स के, उसमें से एक ग्रुप है एक्टिव मेंबर्स का। तो एक्टिव मेंबर्स में अगर आप आते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको खाली एक हमें कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जिसमें कि हम आपको ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर। और अगर आप जनरल मेंबर्स में जाते हैं, नॉर्मल डोनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी 250 की मेंबरशिप है, आपको 250 मेंबरशिप पे करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन जो हम 250 आपसे मेंबरशिप लेते हैं, वो हमारे अकाउंट के अंदर आपका एज अ डोनेशन आता है, यानी कि हम उसको फीस के तौर पे अपने पास रखते हैं, वो गरीबों के लिए ही डोनेशन में जाता है। देखो भाई, जैसे कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं और आजकल का माहौल देखा ही है अपने, कि एक पंजाब को ले लो, पूरा पंजाब नशे की हालत में डूबते हैं, हर एक बच्चा, हर एक बड़ा एक नशे की लत में डूबा हुआ है, हर कोई इंसान गलत राह पे चल रहा है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम अपने स्टूडेंट्स बेस पे भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ अमाउंट निकाल के ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसे इंसानों को डोनेट करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, तो एटलीस्ट हम महीने में एक बार तो यार अगर किसी के चेहरे पे खुशियाँ ला सकें तो हमें करना चाहिए। और मैं जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उन्हीं को कहूँगा कि यार हमें ज्वाइन करें, और दूसरी जो एनजीओ जिनको आप देखते हो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज्वाइन करें, क्योंकि एनजीओस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इससे समाज का तो भला होगा और दूसरा आपको सुकून इतना मिलेगा कि यार वो हम ही फील करते हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप भी फील करना स्टार्ट करोगे। और गारंटी करता हूँ कि आप आगे भी अपने दोस्तों के पास स्प्रेड करोगे इस बात को कि यार एनजीओ में जुड़ो और इस चीज़ से निकल के नशे की हालतों में ना रहें और डोनेशन की थोड़ा राह पे निकले, और जितना आपसे कॉन्ट्रीब्यूट हो सके, चाहे वो कपड़े से, चप्पल, जूते से, या किसी भी फॉर्म में आप करना चाहें, वो करके आप एनजीओस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छे आदमी कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ते, वो सभी को साथ लेके चलते हैं, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, या किसी से चला नहीं जा रहा, वो सभी को इकट्ठा लेके आगे बढ़ते हैं, यही अच्छे लोगों की पहचान होती है, इसलिए हम सभी उन्हें फरिश्ते बोलते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप भी सीखते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए।